हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने दो एकादशी आती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी से भगवान विष्णु चार महीनों के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु सारी सृष्टि का भार शिवजी को सौंप कर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी को हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हरि यानी भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं। इस दिन व्रत और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से खूब लाभ होता है। 10 जुलाई यानी आज देवशयनी एकादशी है। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पुरानी कथाओं के अनुसार सतयुग में मदांता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मदांता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथावर्त आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप से मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, है महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत कष्ट में है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करें और प्रजा के उद्धार के लिए उपाय बताएं। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। बोलो विष्णु भगवान की जय।